नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो के एक्शन के बारे में, कैसे उस एक्शन को बना सकते हैं और उस एक्शन का क्या फ़ायदा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टूडियो वर्क करते हैं, आप स्टूडियो है आप चलाते हैं, तो जब पासपोर्ट साइज लोग बनाने आते हैं, फ़ोटो बनवाने आते हैं, तो उसमें क्या होता है, बार बार आपको बनाना पड़ता है। वैसे तो सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास एक्शन नहीं होता, तो उनके लिए वीडियो है। और उसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक्शन एक बार बनेगा, क्रिएट हो जाएगा, आप सेव कर लेना। सेव करके अगर बाय चांस कभी फोटोशॉप अनइंस्टॉल करनी पड़ती है, विंडो करप्ट होती है, तो उसको फिर से लोड कर सकते हैं और एक बटन दबाते ही आपका पूरी शीट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस जैसे कि मैंने आप 4x6 का क्रिएट कर दिखाया, 4x6 पे आप चाहें तो 5x7 पर या किसी और साइज पर भी बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए सीख लेते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट साइज के बारे में, पासपोर्ट साइज के फोटो कैसे एक्शन बना सकते हैं। तो इस एक्शन को बनाने के लिए आपको एक रिकॉर्डिंग करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। उस अब एक्शन कैसे बना सकते हैं पासपोर्ट साइज का, देखिए अगर हर बार अगर आप पासपोर्ट साइज बना फोटो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हर बार आपको बार बार काम करना पड़ता है। लेकिन इस एक्शन के जरिए क्या होगा कि आप एक बटन दबाएंगे और पूरी शीट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो फिनिशिंग और कलर करेक्शन वगैरह आपको करनी है, साइज भी क्रॉप करना ही है, लेकिन जो हम शीट पर रखते हैं फ़ोटो वो आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए कैसे कर सकते हैं सब, चलते हैं आप फोटोशॉप पर। तो मैं यहाँ पर CS3 का यूज़ करूँगा और मेरे पास यहाँ पर ये फ़ोटो है पासपोर्ट साइज के लिए। ये फ़ोटो तो मेरा ऐसी ही छोड़ी, इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस सीखना है। तो हमने ये फ़ोटो लिया है, सबसे पहले हम इसको फिनिशिंग करके अब क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, क्रॉप टूल ये है, सी पर इसका मूव होता है। ठीक है, विड हाइट रेजोल्यूशन, ठीक है विड रखेंगे 3.5 cm, ठीक है हाइट रखेंगे 4.5 cm, ठीक है और रेजोल्यूशन रखेंगे 300। ठीक है, अब आप इसको क्रॉप करेंगे, ये इसका पासवर्ड साइज का जो है साइज होता है। इसको क्रॉप करेंगे इस तरह से, इतना क्रॉप करना है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एंटर, पासवर्ड साइज क्रॉप हो गया। अब क्या करना है, अब आती है बात एक्शन की। देखिए हमने क्रॉप कर लिया, अब यहाँ से हम जाएंगे विंडो एक्शन पर आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्शन क्रिएट करेंगे, एक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ठीक है थ्री डॉट पर यहाँ पे जाएंगे न्यू सेट। न्यू सेट पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट दे देता हूँ, पासपोर्ट POR T, ठीक है पासपोर्ट, ओके। अब हम यहाँ से जाएंगे फिर से न्यू एक्शन पर, ठीक है न्यू एक्शन, यहाँ से आप अपने एक्शन का नाम देंगे जो भी है, मैं यहाँ पर भी पासपोर्ट दे देता हूँ, PASSPORT, ठीक है वन कर देता हूँ आगे, पासवर्ड वन। ठीक है, यहाँ से देखिए आप इसको यही रहने दीजिएगा सेट, और यहाँ से नन जो आ रहा है यहाँ पर आप इसका मूव कर सकते हैं F2, F3, F4, F5 जिस पे भी करना चाहेंगे। F2 पर करूँगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट और कंट्रोल के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस पे करना हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं नन, यहाँ पे कोई कलर भी दे सकते हैं आपकी इच्छा है वो। ठीक है, अब यहाँ से हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, देखिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl A Ctrl C, ठीक है, और अब क्या करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे हम एक Ctrl N दबाएंगे और यहाँ से हम नई फाइल लेंगे। देखिएगा यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं, कस्टम कर देते हैं यहाँ से 300, तो उसकी रेजोल्यूशन हो गई, हाइट कर लेते हैं उसकी 4, पहले यहाँ से इंच सेलेक्ट कर लेते हैं 4 और विड कर लेते हैं उसकी 6। ठीक है, ये देखिएगा हमारे पास ये एक 4x6 का एक साइज आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक ले लिया है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे फ़ोटो को, पेस्ट किया यहाँ पे लिख आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ला करके और इधर ऑल्ट के साथ इधर खींचेंगे, ठीक है
तो दो फोटो हो गए। अब दोनों को यहाँ से मर्ज कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल ई कर देंगे, मर्ज हो गया। उसके बाद फिर दोनों को इधर खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से सेट करेंगे इस तरह से, और फिर इसको भी सेलेक्ट करके दोनों को फिर से मर्ज कर देंगे, ठीक है। मर्ज करके इधर लेकर आएंगे और यहाँ से ये इसको भी ऑल्ट के साथ खींच के यहाँ ले आएंगे, देखिएगा यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। अब सबको सेलेक्ट करके फिर से मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई करके, अब सेंटर में ला करके यहाँ से थोड़ा सा इस पर स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक कैसे लगा सकते हैं, देखिए ऑल्ट एल वाई के, यहाँ से जो ये रेड है ये ब्लैक कर देना है और थोड़ी सी यहाँ से कम कर देना है, दो पर बहुत है, ठीक है, ओके। देखिए सीट तैयार हो गई है, अब यहाँ से हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। एक्शन हमारा बन गया, अब जो हमने सबसे पहले लिखा था पासवर्ड, जो हमने सेट का नाम दिया था, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से देखिए यहाँ पर जाएंगे थ्री रोड पर, और यहाँ से सेव एक्शन, ठीक है, सेव एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने जहाँ पर आपको सेव करना है एक्शन, वो लोकेशन चूज़ करेंगे। मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप फ़िलहाल के लिए, और देखिए पासपोर्ट यहाँ पर हमने नाम दे रखा है, और यहाँ पे सेव कर देना है। एक्शन हमने सेव कर दिया, एक्शन सेव हो चुका है, बन चुका है। अब इसको हटा देंगे कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, और अब इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा हम एक फ़ोटो लेकर आएंगे, जैसे कि कोई भी फ़ोटो ले आते हैं, यही फ़ोटो ले आता हूँ मैं, और इसको मैं अब पहले क्रॉप कर लूँगा सी से, ठीक है। हमें क्रॉप तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो साइज चाहिए हमको। क्रॉप करने के बाद एंटर करेंगे और अब देखिएगा मैं F2 अगर दबाऊंगा, यहाँ पर F2 दबाऊंगा तो एक सीट तैयार हो जाएगी न्यू, ये देखिएगा एक बटन दबाते ही आपकी पूरी सीट तैयार हो गई जो कि हमने तैयार की थी। तो यहाँ पर इस एक्शन का ये फ़ायदा है कि आप इस एक्शन को सेव करके जो है, अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोटोशॉप अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर विंडो करप्ट हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ पर, जैसे कि हमने जो डेस्कटॉप पर सेव किया था एक्शन, ये कहाँ गया, ये है, ठीक है, पासवर्ड, कई बार क्या होता है आपकी विंडो करप्ट हो जाती है कुछ रहता है, तो देखिए सारे एक्शन जो यहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि ये हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो अभी देखिए कोई फ़ोटो लेकर आते हैं तो काम नहीं करेगा वो। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो है उसको वहाँ से रिमूव हो गया वो फोटोशॉप अनइंस्टॉल होने पर या विंडो करप्ट होने पर। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर F2 दबाऊँगा तो देखिए नहीं काम कर रहा। अब क्या करने का, जब हमने एक्शन सेव किया था वो हमें लोड करना पड़ेगा, यहाँ से थ्री रोड पर जाके लोड एक्शन और जो लोकेशन है आपकी वहाँ पे उसको क्लिक करके और लोड कर देना। देखिए लोड करेंगे तो लोड करने के बाद अब अगर आप F2 दबाएंगे तो देखिए बन के सीट आपकी तैयार हो जाएगी, हो गई। बस यही आसान सा एक तरीका है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।